हे प्राण प्रिय सावित्री, आज तुम ये तैयारी सी कहां के लिए कर रही हो? जी पिया जी। कहीं पीहर जाने की तो नहीं सोच रही हो? नहीं पिया जी। फिर आज कहां के लिए तैयार हो रही हो? आज ये नए नए वस्त्र पहन लिए तूने, आभूषण पहन लिए। ये वो ही वस्त्र हैं जिन कपड़ों में मेरी आपके साथ शादी हुई थी। अच्छा, शादी वाला जोड़ा है ये। लेकिन आज क्यों ओढ़ा है? आपको शायद याद नहीं कि आज हमारी शादी को 1 वर्ष हो चुका है। हाँ, 1 साल। आज हमारी शादी की सालगिरह है। कोई बात नहीं, जल्दी आ लूंगा, शाम को यहीं आकर के जो शादी की सालगिरह मनाएंगे, यानी कि केक वेक भी मंगवा लूंगा। केक तो मेरे पास में नहीं, पर अपना जो रोटीन में चक्कू मार करके बना दीजो। अच्छा ठीक है पिया जी, लेकिन आज मेरी एक इच्छा है। इच्छा? हाँ। आज से पहले कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन आज इच्छा हो रही है। 1 वर्ष हो गया मुझे जी आपके साथ में शादी किए हुए। हाँ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बिल्कुल कुछ नहीं मांगा, कोई भी इच्छा जाहिर नहीं की। आपने मेरे लिए अपने सारे राजा शाही आनंद छोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। आज मेरी एक इच्छा है। क्या? आज मेरी इच्छा ये है कि मैं आपके साथ में बियाबान जंगल में जाना चाहती हूँ। मेरे साथ में जाना चाहती हूँ? जी। जंगल में? जी। तुम यही घर पर रहो, मेरे माता पिता की सेवा करो। औरत का काम जंगल में जाकर के काम करने का नहीं होता। लेकिन आज मेरी दिल की इच्छा है पिया जी। सावित्री। हाँ। तुम राजघराने में रही हो, तुमने आज तक कभी कुल्हाड़ा नहीं चलाया, इसलिए तुम घर पर रहो, मान जाओ मेरी बात को। आज तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। देख, जब तेरे साथ में शादी की थी ना, उस समय बड़ी हर्ष पुष्ट थी तुम, आज बहुत अच्छी थी। जी। थोड़ी सी कमजोर हो गई हो। थोड़ी चिंता में रहती हूँ मैं। चिंता में? हाँ। तुम्हें चिंता किस बात की है? मैं गरीब हूँ इसलिए? नहीं। और बात तो कुछ और है पिया जी, मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या री हो गया बात सुख के माड़ा ओ साजने दे दे मने कुल्हाड़ा। नहीं, औरत के हाथ में कुल्हाड़ा शोभा नहीं देता। अरे आप मुझे इतनी हल्की भी मत समझो पिया जी। हो गया बात सुख के।
तेरी कर जागी मेहनत। जी पिया जी, आज ना जाने क्यों मेरे सर में अचानक दर्द सा होता आ रहा है। हाथ पैरों में बेचैनी और दिल की धड़कन मानो बढ़ती जा रही है। लगता है मेरा अब अंतिम समय आ गया हो। नहीं, ऐसा मत कहो पिया जी, ऐसा मत कहो। शायद आज आपने काम कुछ ज्यादा कर लिया है। आप नीचे आइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए पिया जी। यूं तो मैं जंगल में रोजाना काम किया करता हूं, लेकिन आज से पहले मुझे ऐसी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई। आप इतना मत घबराओ पिया जी,
आपको कुछ नहीं होगा। सुनिए मेरी बात एक बार। ओ सावित्री जी लिकड़े से मेरा, ऐसा मत कहो। लेकिन ये सत्य है नहीं। और अटल सत्य है, मानना ही पड़ेगा। सुनिए एक बार, सावित्री जी लिकड़े से मेरा, सावित्री जी लिकड़े से मेरा। लेट जा पिया जी सर, लेट जा पिया जी सर, दबा दूं मैं तेरा। सावित्री जी लिकड़े से मेरा, सावित्री जी लिकड़े से मेरा। बेचैनी ज्यादा और इसे बेचैनी ज्यादा, आज मेरे गात में हारिए न हिम्मत पिया, मैं भी थारे साथ में। हमें ना कुल्हाड़ा गोरी, हमें ना कुल्हाड़ा गोरी, आज मेरे हाथ में हार के घने क्यों पिया, बहु प्राण अंधेरा, आंखों आगे हुयारी अंधेरा। लेट जा पिया जी सरी, लेट जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। सावित्री जी लिकड़े से मेरा, सावित्री जी लिकड़े से मेरा। मेरी जान काल का, काटेगा मेरी जान काल का।
या मात पिता रोवेंगे, उनकी धीर बंधई है तू। हे रक्षक भगवानी हमारा, मत साजन घबराई है तू। ओ तेरे हवाले छोड़ चला मैं, तेरे हवाले छोड़ चला मैं, मत ना दुख पहुँचाई है तू। इष्ट देव हनुमान के गुण हरे, राम बेस ले गई है तू। हर दुनिया का झूठा आन घेरा, दुनिया का झूठा आन घेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, बाजू मेरा सावत्री जी निकले समेरा, सावत्री जी निकले समेरा। तुम जानती है नासवान संसार है, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको एक रोज ये देह त्यागनी होती है, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरे कभी पीछे आती हो कभी आगे आकर के अड़ती हो। बेटी वापस हट जाऊं? नहीं। क्यों? जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं लेकिन दोगे। ये संभव नहीं है सावित्री। जिस इंसान के लिए जितनी आयु उस परमात्मा ने दी उसको केवल उतने ही दिन जीना होता है, जितने सांस उस विधाता ने जिसके जीवन में दिए उसको केवल उतने ही दिन जीवन जीना होता है, उसके बाद में देह त्यागनी पड़ती है। हे यमराज जी, मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। तुझसे भी बहुत बड़ी दुखियारी इस दुनिया के अंदर होंगी। मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। ऐसे और भी बहुत लोग इस दुनिया में हैं कि जिनका उनके अलावा कोई और सहारा ना हो। अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दे सकते तो हे यमराज जी, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहती हूँ, कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। विनती जी? सावित्री, तुम वो पहली औरत हो जिसको इस यमराज के भी दर्शन हो गए, जिसको मैं दिखाई दे गया हूँ, वरना मैं किसी को नजर नहीं आता। मैं अपना काम करता हूँ और चला जाता हूँ, लेकिन बेटी अगर तुम ये कह रही हो कि विनती करना चाहती हो तो तेरे जैसी पतिव्रता की विनती मैं भी सुन करके जाऊँ। सुनिए ओ मेरी अर्जी सुनो या मेरा कुछ रहम मेरे पे खा, मेरी अरज सुनो या मेरा आज, आज कुछ रहम मेरे पे खा, मेरी अरज सुनो। लेनिया मरे एक दिन क्या? ये कुदरत के नेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टेम बेटी। और बिना पति के बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा, नाव मेरी मझधार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दो सवार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दो सवार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे छो ओट करे या मेरा जी।
लाश के अंदर है प्राण है दोबारा, कभी नहीं मैं डालूंगा और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना वचनों से हालूंगा और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना वचनों से हालूंगा। तेरे दुखिया ने मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवाले, मेरी अरज सुनो या मेराज। ओ सत्यवान के करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावत्री दे दिए वचन एक दो तीन, बेखट के मांगो सावत्री दे दिए वचन एक दो तीन। दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो, वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ यो और गौर करे सुनो या मेरा। ओ सास ससुर तेरे बड़े सूझते, सास ससुर तेरे बड़े सूझते, आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हो गया महाराज जी। जो छड़ से लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। तेरी कोख से पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हो यम हार के प्राण लाश में डाल।
महाराज ये सुनो या मेरा सारे जहां का सेहरा भाइयों ने आपके कितने बेटों ने अपने अपनी कुर्बानी दी अपना बलिदान दिया लेकिन इस तिरंगे के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। हाथ में तिरंगा चंगा हाथ में तिरंगा चंगा देश का जवान था देश का जवान था आज भी है और कल भी रहेगा आज भी है इस बियाबान जंगल में आवाज दे रही है चिल्ला रही है। मैं हूं लड़की। लड़की तो फिर इस बियाबान जंगल में क्यों फड़की? अब मैं आपकी बातों का क्या जवाब दूं? जवाब दीजिए। अगर आप रास्ता भूल गई हैं तो मैं आपको रास्ता बता दूं लेकिन आप मुझे आवाज दे रही हैं। बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं रास्ता नहीं भूली और मैं तो बिल्कुल ठीक रास्ते पे आई हूं। ठीक रास्ते पर आई हूं? हाँ। तो फिर मुझे क्यों आवाज दे रही हो? आप एक बार पेड़ से नीचे आइए। क्यों? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात करनी है? हाँ। लेकिन मेरा और आपका क्या मेल? एक बार बस एक बार पेड़ से नीचे आ जाओ। अच्छा पेड़ से नीचे आऊँ? हाँ। कोई जरूरी बात है? बहुत जरूरी बात है। क्या बात है सुनिए जरा। हे रे उतर पेड़ ते तले एक बे दिल को डांट लिया हमने। हाँ। लेकिन मेरी बात सुनिए। सुनाइए। अरे क्यों खोवे से टेम चली जा चलते चलते तो यहाँ आई हूँ। हम लकड़ी काटन वाले उत्तर पेड़ तहत खो वैसे टाइम चली जा।
बाट बाट में घनी हान हो लई मने कोई जान केर जान केर जान केर हमें से न्यू कती जान हो लई मने साखी कर ले तेरे किसे मर्द की आन कान हो लई मने साथी ना साथी की आन हो लई मने साथी तेरा क्यों पर होगा भला बता दे क्यों पर होगा भला बना इस मौके पे ना मगध देश में रहा करूं सो सावित्री से नाम मेरा दिया पाड़ में हटन का पता सावित्री के काम तेरा जोड़ी कावर मिलिया नहीं यो उठ गया मैं सरा मेरा जोड़ी कावर मिलिया नहीं उठ गया है सरा मेरा हमें असी काले नाग चेहरे ते कल्याणे मरद का शरीर एक जैसे आरम रहे से लोटे आज पाट आनंद छोड़ के मैदा दुखड़े होते वेल लाकड़ी वेल लाकड़ी काटूंगी तू साथ न फेर टोटे पकड़ी दुख की परवाह नहीं वीर ने दुख की परवाह नहीं Yeah, buddy.
करवा करी मानस के सुन जी ने खांडे हुया करे फिर साथी बिना गाबरू छोरे ऊत लुंगाड़े हुया करे फिर वहां से मैं कुटुंब फैल जाऊं जबर पवाड़े हुया करे जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के माड़े हुया करे जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के माड़े हुया करे रोतनिया एक आज जगत में तक हो आतनिया